हेलो फ्रेंड्स, मैं आज दुबे स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल जस्ट डॉग पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज का अपना टॉपिक है फीमेल डॉग हीट पर कब आती है, किस एज में आती है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, मीट माई डबल कोटेड जर्मन शेफर्ड जिमी, ये भी हीट पर है। और उसके पीछे जो आप देख सकते हो बेला, मेरी गोल्डन रिट्रीवर 4 मंथ ओल्ड फीमेल है। तो टॉपिक पे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। डॉग की हीट किस एज में आती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप कोई मीडियम साइज ब्रीड या स्मॉल साइज ब्रीड, कोई भी ब्रीड आप की फीमेल आप अपने पास रखते हैं, तो उसको मैच्योर होने में 12 से 15 महीने लगते हैं। 8 से 9 मंथ में वो फर्स्ट हीट पे अपनी आ जाती है। तो आपको मेटिंग कब करानी है फीमेल की? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफर यही किया जाता है कि आप अपनी फीमेल की मेटिंग तभी कराएं जब वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से फिट हो। कहने का मतलब ये है, जब आपको लगे कि वो अपनी ग्रोथ कर चुकी है और वो फिजिकली फिट है, जो भी ब्रीड स्टैंडर्ड होता है उस वेट में, उस हाइट की वो हो चुकी है, तब आप मेटिंग लिए सोचें। अगर आपकी फ़ीमेल की हीट 1 साल के 11 महीने या 12 महीने में आ रही, तो आप एक बार सोच भी सकते हैं कि आप अपनी फीमेल की मेटिंग करा सकते हैं। लेकिन काफ़ी ब्रीडों में ये होता है कि आप अच्छी डाइट की वजह से फ़ीमेल कई बार जल्दी हीट पे आ जाती हैं, 8 या 9 महीने, तब आपको उनकी हीट मिस करा देनी चाहिए पहली हीट। सेकेंड हीट 3 से 4 महीने बाद आ जाती है, तब आप उसकी मेटिंग करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हीट साइकिल के बारे में समझते हैं। डॉग्स की हीट साइकिल साल में 2 बार ट्वाइस इन ए ईयर आती है, 6-6 मंथ के इंटरवल में। तो फ्रेंड्स, जब डॉग हीट पे आता है तो उसकी 4 स्टेजें होती हैं हीट साइकिल की। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो डॉग हीट साइकिल में सब जो फर्स्ट स्टेज होती है वो उसे कहते हैं प्रोस्ट्रेस। जब वो हीट पे आती है, उसका सबसे पहली जो स्टेज होती है उसे प्रोस्ट्रेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, डॉग्स की वजाइना से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और उसकी साइज में, मतलब कि नॉर्मल साइज से, वो धीमे धीमे बड़ी होने लगती है। इसका ड्यूरेशन रहता है प्रोस्ट्रेस का 9 से 15 दिन। मतलब ये है कि वो आपकी फ़ीमेल 9 से 15 दिन तक ब्लड ड्रॉप करेगी। इसमें फ़ीमेल मेल की तरफ अट्रैक्टिव हो जाती है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती मेल को कि वो उसके ऊपर माउंट करे या मेटिंग के लिए। सेकेंड स्टेज जो होती है डॉग हीट साइकिल की, उसे कहते हैं स्ट्रेस। ये 5 से 9 दिन का होता है। स्ट्रेस साइकिल ही होता है जिसपे फीमेल टोटली एक्सेप्ट करती है मेल को, और वो फर्टाइल टाइम होता है फीमेल के लिए। वो मेल को एक्सेप्ट करेगी, माउंट करने पे सपोर्ट करेगी, और इसी समय में आपको मेटिंग करा लेनी है स्ट्रेस साइकिल में। जिसमें क्या होता है, डॉग्स की जो वजाइना से ब्लीडिंग होती है, जो डार्क रेड कलर की होती है, वो धीमे धीमे लाइट पिंकिश या टोटली बंद हो जाती है। जैसे ही फीमेल की ब्लीडिंग बंद हो जाए, आप 24 से 28 आवर्स में उसकी मेटिंग करा लें। आप अपनी फीमेल की 2 मेटिंग ले सकते हैं 1 दिन के गैप में। जो थर्ड स्टेज होती है डॉग की हीट साइकिल की, उसे कहते हैं डिस्ट्रेस। इस स्टेज में क्या होता है, अगर आपने अपनी फीमेल की मेटिंग करा ली है, सक्सेसफुल मीटिंग हुई है, तो प्रेग्नेंट हो जाएगी। और अगर आपने मेटिंग नहीं कराया है, या फिर आपने मेटिंग कराया वो मिस हो गई, तो उसके बच्चे नहीं होंगे। इसके ड्यूरेशन होता है 60 से 80 डेज। इसमें क्या होगा, फीमेल आपकी स्ट्रेस से डिस्ट्रेस में जाती है, और अगर उसके प्रेग्नेंट हो चुकी होगी तो वो अपने बेबी कैरी करेगी, नहीं तो मिस कर चुकी होगी। जो फोर्थ स्टेज होती है डॉग हीट साइकिल की, उसे कहते हैं एनस्ट्रेस। ये होता है 3 से 4 महीने का। इसमें क्या होता है, फीमेल आपकी दोबारा अपने बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन्स को, और अपनी टोटली बॉडी को फिजिकली मैच्योर करती है दोबारा साइकिल के लिए। इसकी ड्यूरेशन होती है 3 से 4 मंथ की। तो फ्रेंड्स, आपने 4 स्टेजेस तो जान ली डॉग हीट साइकिल की, 4 स्टेजेस क्या होती है, सिम्टम क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि डॉग्स की मेटिंग का परफेक्ट टाइम क्या होता है, कि मोस्ट फर्टाइल टाइम फीमेल डॉग की।
जिसमें ज़्यादा चांसेस रहें कि फीमेल डॉग आपकी कंसीव करे। तो अभी का टॉपिक आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। डॉग्स के रिलेटेड ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।